सो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड सिग्नल्स की, जो कि बहुत जगह आपके यूज होते जाएंगे। स्टैंडर्ड सिग्नल में पहले हम लोग जो भी सिग्नल्स पढ़ेंगे वो पूरे कंटिन्यूअस टाइम डोमेन के सिग्नल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्क्रीट टाइम डोमेन में भी जो स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं उसकी भी बात करेंगे। सो स्टैंडर्ड सिग्नल्स हम लोग यहाँ पे क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि स्टेप सिग्नल होता है, रेक्टेंगुलर सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, ट्रायंगुलर सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, रैम सिग्नल या एक्सपोनेंशियल सिग्नल, सिंक फंक्शन एक्सेट्रा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक स्टैंडर्ड सिग्नल से, दैट इज अ स्टेप सिग्नल। सो स्टेप सिग्नल की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, स्टेप सिग्नल इज डिफाइंड एज पी टाइम्स यू ऑफ टी इज इक्वल टू, पी टाइम्स यू ऑफ टी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू पी फॉर टाइम ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर टाइम लेस देन जीरो। अब इसको स्टेप सिग्नल क्यों बोलते हैं, उसके लिए उसका एक वेव फॉर्म जैसे ही बनाएंगे तो यहां पे क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी ड्रॉ द वेव फॉर्म। तो ये आपकी वेव फॉर्म है इन विच वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ अ यूनिट स्टेप सिग्नल, सॉरी नॉट अ यूनिट स्टेप सिग्नल, वी आर सिंपली ट्राइंग टू ड्रॉ स्टेप सिग्नल। सो दिस इज पी टाइम्स यू ऑफ टी। सो देखिए, टी ग्रेटर देन जीरो, दिस इज पॉजिटिव टाइम, सो दिस इज टी इज इक्वल टू जीरो, सो दैट मीन्स दिस इज टी ग्रेटर देन जीरो एंड दिस वन इज टी लेस देन जीरो, this axis is your time axis. So this signal is defined as p, which is a constant for a positive time. So this is equal to p. So this is equal to p. And this is equal to zero for all the negative time. So dekhiye, all the negative time this is equal to zero. So isko connect kar lete hain. So ye dekhiye, ye jo signal hai, इस सिग्नल का शेप ऑब्वियसली स्टेप के फॉर्म में है। सीढ़ियां जो स्टेयर्स जो हम लोग इन जनरल बोलते हैं, स्टेप्स के फॉर्म में, स्टेप्स ऑफ अ स्टेयर्स, तो दैट इज व्हाई दिस सिग्नल इज कॉल्ड एज अ स्टेप सिग्नल। यहां पे जो स्टैंडर्ड सिग्नल होता है वो होता है यूनिट स्टेप सिग्नल। तो स्टेप सिग्नल को यूनिट स्टेप सिग्नल कब बोलेंगे, जब ये जो स्टेप है उसका मैग्नीट्यूड अगर यूनिटी हो जाएगा, इफ this magnitude of this step is unity, then this step signal is called as unit step signal. So isme jo second part hai aapka, unit step signal, so it is a step signal whose magnitude is unity. That means this will be defined as u of t is equal to, this is 1 for t greater than 0 and this is equal to 0 for t less than 0. So if I see the waveform of this signal, so this is now unit step signal whose magnitude is equal to 1 for the positive time and this is equal to 0 for the negative time. So isko connect kar denge. So ye aapka ho gaya positive time, ye aapka ho gaya negative time, and the magnitude of this step is unity, so this step signal is called as unit step signal. Obviously hum yahan pe clearly specify humne kiya hai ki ye continuous time signal hai, but please pay attention here, yahan pe t is equal to 0 pe magnitude defined nahi hai definition mein, chahe uska magnitude 1 nahi ho ya uska magnitude 1 ho, स्टेप का मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, तो यहां पे टी ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, यहां पे भी टी ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे ये डिफाइंड नहीं है, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी। सो यहां पे ध्यान दीजिए कि टी इज इक्वल टू जीरो पे मैग्नीट्यूड डिफाइंड नहीं है। सो लेट मी राइट इट लाइक दिस, कि दिस यू ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू जीरो is not defined. So यहां पे मैथमेटिक्स का एक गिब्स फिनोमिनन है, गिब्स फिनोमिनन के अकॉर्डिंग आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। गिब्स फिनोमिनन के अकॉर्डिंग अगर कहीं भी डिसकंटिन्यूटी आती है, देखिए डिसकंटिन्यूटी यहां का यहां पे सिंपल सा मीनिंग है कि t इक्वल टू जीरो के जस्ट पहले मैग्नीट्यूड जीरो था और t इक्वल टू जीरो के बाद अचानक से मैग्नीट्यूड में स्टेप चेंज आ गया, अचानक से चेंज आ गया है, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड अचानक से वन हो गया है, दिस इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूटी। सो देखिए, ये अपने आप में ये आपका कंटिन्यूअस है,
ये भी अपने आप में कंटिन्यूअस है, पूरा का पूरा सिग्नल भी कंटिन्यूअस है, लेकिन इस कंटिन्यूअस सिग्नल में एक डिसकंटिन्यूटी है। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल, नो डाउट दिस इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल, बट इसमें एक डिसकंटिन्यूटी है, और डिसकंटिन्यूटी में अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैथमेटिकली मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं गिब्स फिनोमिनन से, जो कि एवरेज वैल्यू होगी डिसकंटिन्यूटी की। जैसे देखिए, डिसकंटिन्यूटी के पहले इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, डिसकंटिन्यूटी के पहले इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, और डिसकंटिन्यूटी के बाद उसका मैग्नीट्यूड वन है। सो अगर मुझे डिसकंटिन्यूटी पे चाहिए तो मैं उसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा, जीरो और वन का जो एवरेज होगा दैट विल बी वन बाई टू। सो आई कैन से मैथमेटिकली, मैथमेटिकली बाय गिब्स फिनोमिनन u of t at t is equal to 0 is equal to average of 0 and 1, which can be calculated as 1 by 2. So, signal and system में जो unit step है उसकी definition में तो u of t at t equal to 0 define नहीं है, लेकिन mathematics के concept से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे u of t at t equal to 0 mathematically can be calculated as 1 by 2. वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे, so again this is a continuous signal with a discontinuity at t is equal to 0. So, discontinuity के पहले magnitude 0 है, discontinuity पे के बाद magnitude p है, p का और 0 का जो average होगा, that is again p divided by 2. So, again अगर मैं mathematically बात करूं, if I talk mathematically by Gibbs phenomenon, u of t or p u of t, mathematically by Gibbs phenomenon p u of t at t is equal to 0 will be equal to p by 2. So p और 0 की एवरेज वैल्यू p by 2 हो गई, वैसे ही 0 और 1 की एवरेज वैल्यू यहां पे आपकी 1 by 2 हो गई, ये आपका मैथमेटिकली हो गया। सो यूनिट स्टेप कब होगा, जब आपका स्टेप का मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा तब वो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी नहीं है, कुछ और दूसरा कांस्टेंट है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज अ स्टेप सिग्नल। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट अ शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल, आई एम टॉकिंग अबाउट शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल। So shifted unit step signal is defined as u of t minus a, where a can be any value, any constant. So u of t minus a. अब देखिए u of t की definition आपको पता है? U of t की definition अभी हमने लिखी थी, u of t is equal to 1 for positive time and this is equal to 0 for negative time. So I need u of t minus a, which can be obtained by replacing put t is equal to t minus a. So t को t minus से replace करके देख लेते हैं. So u of t minus a. So देखिए time में change करना है तो ये same रहेगा. ये 1 और ये 0 आपका change नहीं होगा. ये जो t था वो definitely change होगा t minus a greater than 0 और t minus a less than 0. So now the definition may be written as 1 and 0. This is 1 and 0. This becomes t greater than a and this becomes t less than a. So ye ho gaya shifted unit step signal ka definition. Ab shifted unit step signal ka graph dekh lete hain. So agar mujhe iska graph banana hai, so ye aapki time axis hai. This is the time axis. And this is my signal u of t minus a. So u of t minus a क्या हुआ? T greater than a और less than a पे अलग-अलग values हैं. So पहले कहीं भी constant a mark कर लीजिए. Let's say मैंने constant a mark कर लिया. So t greater than a मतलब right hand side. ये देखिए, ये region है t greater than a और ये complete region है t less than a. So t greater than a के लिए magnitude कितना है? T greater than a के लिए magnitude 1 है और t less than a के लिए magnitude कितना है? T less than a के लिए magnitude 0 है. So
कंटिन्यूअस बना देंगे इसको यहां से ज्वाइन करके। सो ये आपका स्टेप सिग्नल हो गया। देखिए ये भी यूनिट स्टेप है, ये भी यूनिट स्टेप है, बट डिफरेंस क्या है, डिसकंटिन्यूटी शिफ्ट हो गई। डिसकंटिन्यूटी टी इज इक्वल टू जीरो पे थी, यहां पे डिसकंटिन्यूटी आपकी टी इज इक्वल टू ए पे है। सो नाउ दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट टी इक्वल टू ए। तो ये कंप्लीटली एक कंटिन्यूअस सिग्नल है, इसमें एक डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन वो डिसकंटिन्यूटी अब कहां पे है, इट इज एट ए, अब वो जीरो पे नहीं है, डिसकंटिन्यूटी शिफ्ट हो गई है, और यू कैन से कंप्लीट सिग्नल हैज बीन शिफ्टेड राइट हैंड साइड। सो यू ऑफ टी माइनस ए जो होगा वो यू ऑफ टी का ही शिफ्टेड वर्जन होगा। यू कैन सी कि इस सिग्नल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया गया है। सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व हियर, वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस सिग्नल इज राइट हैंड साइडेड शिफ्टेड बाय ए यूनिट्स। सो देखिए एवरीथिंग, हमने इसको जो भी ड्रॉ किया, मैंने स्टार्टिंग से आपके कंक्लूजन लेके नहीं चला कि यू ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी का शिफ्टेड वर्जन है, ए यूनिट राइट हैंड साइड नहीं, ये कंक्लूजन है। सिग्नल में सब कुछ यहां पे मैथमेटिकल है, एवरीथिंग इज मैथमेटिकल। सो देखिए यू ऑफ टी माइनस ए को कुछ भी याद नहीं रखना है हमने, यू ऑफ टी माइनस ए चाहिए था तो यू ऑफ टी की डेफिनेशन है, यू ऑफ टी में टी को टी माइनस ए पुट करोगे तो आपको यू ऑफ टी माइनस ए मिलेगा। ये आपका टाइम डोमेन में चेंज हुआ, तो जो डिसकंटिन्यूटी जीरो पे थी वो डिसकंटिन्यूटी अब आपकी ए पे आ गई है। तो ये आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन से आपका ग्राफ बन गया। और फिर ये कंक्लूजन हमारा है, क्योंकि यही चीज हम बार बार यूज करने वाले हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा कि यू ऑफ टी माइनस ए जो है वो यू ऑफ टी का शिफ्टेड वर्जन है, जिसमें कि राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया गया उसको कितने यूनिट से, ए यूनिट से। तो ये कंक्लूजन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बट एवरीथिंग इज प्योर मैथमेटिक्स हियर। तो कोई भी चीज में आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है तो आप मैथमेटिक्स से उसको ट्राई करके देखिए। सिग्नल एंड सिस्टम में हर एक जो टॉपिक है, जो भी आपका डिस्कशन है, वो आपका मैथमेटिकली जस्टिफाई होगा। सो और भी टाइप ऑफ शिफ्टिंग हम यहाँ पे देखते हैं, शिफ्टेड यूनिट स्टेप के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, लेफ्ट साइड में क्या शिफ्ट होगा, राइट में क्या शिफ्ट होगा, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। शिफ्टेड यूनिट स्टेप का डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल यू ऑफ टी माइनस फोर। सो एक स्टैंडर्ड सिग्नल यू ऑफ टी मेरे पास ऑलरेडी है, जो कि मुझे अच्छे से पता है, तो यू ऑफ टी इज इक्वल टू वन फॉर पॉजिटिव टाइम एंड दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर नेगेटिव टाइम। ये आपको एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन यू ऑफ टी की पता होनी चाहिए। यहां पे टी माइनस फोर करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट टी इज इक्वल टू टी माइनस फोर। सो दिस बिकम्स यू ऑफ टी माइनस फोर इज इक्वल टू दिस इज वन फॉर टी माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर टी माइनस फोर लेस देन जीरो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू ऑफ टी माइनस फोर की डेफिनेशन हो जाएगी वन एंड जीरो एंड द कंडीशन विल बी टी ग्रेटर देन फोर एंड टी लेस देन फोर। इसका ग्राफ अगर हम यहां पे बनाएंगे, इफ यू विल सी द ग्राफ ऑफ दिस सिग्नल, ये डिसकंटिन्यूटी फोर पे आपको मिलेगी। सो फोर से ग्रेटर अगर टाइम है तो मैग्नीट्यूड वन है, फोर से लेस अगर टाइम है तो मैग्नीट्यूड जीरो है। सो ये आपका स्टेप के जैसा है ऑब्वियसली, बट ये शिफ्ट हो गया है, कहां पे शिफ्ट हो गया है, यू ऑफ टी में डिसकंटिन्यूटी जीरो पे होती थी, यहां पे डिसकंटिन्यूटी आपकी कहां पहुंच गई है, फोर पे पहुंच गई है। सो दिस इज यू ऑफ टी माइनस फोर। इन द सेम वे इफ यू विल डिस्कस हियर, यहां पे देखते हैं, डिस्कस करते हैं यू ऑफ टी प्लस थ्री। अनदर एग्जांपल आई टेक यू ऑफ टी प्लस थ्री। अगेन स्टार्ट आपको हमेशा बेसिक डेफिनेशन से करना है। यू ऑफ टी की डेफिनेशन क्या होती है, यू ऑफ टी की डेफिनेशन होती है वन फॉर टी ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। ये आपका यू ऑफ टी की बेसिक डेफिनेशन है। यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए टी इज इक्वल टू टी प्लस थ्री, टी इज इक्वल टू टी प्लस थ्री। सो यू ऑफ टी प्लस थ्री इज इक्वल टू वन एंड जीरो। सो टी को टी प्लस थ्री पुट कीजिए, सो टी प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज यू ऑफ टी प्लस थ्री लेस देन जीरो। इसको सॉल्व कर लीजिए, सो यू ऑफ टी प्लस थ्री इज इक्वल टू वन एंड जीरो, दिस बिकम्स टी ग्रेटर देन माइनस थ्री एंड दिस इज t
टी लेस देन माइनस थ्री, टी ग्रेटर देन माइनस थ्री एंड टी लेस देन माइनस थ्री। इसके लिए इफ यू विल सी द ग्राफ ऑफ दिस वन, इसकी जो ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये कंडीशंस कहां पे डिफाइंड है, ये कंडीशंस कहां पे चेंज हो रही है, माइनस थ्री पे कंडीशंस चेंज हो रही है। तो माइनस थ्री पे कंडीशंस चेंज हो रही है। ग्रेटर देन माइनस थ्री मतलब राइट हैंड साइड, ग्रेटर देन माइनस थ्री के लिए मैग्नीट्यूड इज वन और लेस देन माइनस थ्री के लिए मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो। इट इज लाइक दिस। सो दिस बिकम्स यू ऑफ टी प्लस थ्री। अब अगर आप यू ऑफ टी के रिस्पेक्ट में देखोगे, अगर आप यू ऑफ टी के रिस्पेक्ट में देखोगे, सो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ यू ऑफ टी। सो यू ऑफ टी, देन लेट मी प्लॉट यू ऑफ टी माइनस फोर एंड देन लेट मी प्लॉट। सो देखिए यू ऑफ टी प्लॉट कर रहा हूं यहां पे, यू ऑफ टी माइनस फोर प्लॉट कर रहा हूं और यू ऑफ टी प्लस थ्री प्लॉट कर रहा हूं। U of t तो पहले से ही हमारे पास है। U of t में डिसकंटिन्यूटी कहां पे आती है, जीरो पे। U of t स्टैंडर्ड सिग्नल है, डिसकंटिन्यूटी ओरिजिन पे आती है, दैट इज एट t इक्वल टू जीरो। U of t माइनस फोर, ये कंक्लूजन यहां पे मेरे पास है, डिसकंटिन्यूटी कहां पे मिली, फोर पे मिली। सो देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी एट t इज इक्वल टू फोर। U of t प्लस थ्री, ये कंक्लूजन है, डिसकंटिन्यूटी कहां मिली, माइनस थ्री। So, देखिए ये स्टैंडर्ड सिग्नल यू ऑफ टी, ये इसका राइट हैंड साइड वर्जन शिफ्टेड और ये यूनिट स्टेप इसका लेफ्ट हैंड साइडेड। दैट मींस शिफ्टिंग दोनों तरीके से हो सकती है, टी प्लस थ्री में लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, टी माइनस फोर में राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। सो अब देखिए इसका जो कंक्लूजन है वो हमें, वो हम लोग नोट कर लेते हैं क्योंकि हर समय इसके बेसिक डेफिनेशन से जाके करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में। जब हम सीख रहे हैं तब तो ठीक है, हम लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट एग्जाम में ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करें, आपके माइंड में सीधा क्लियर होना चाहिए। तो आपके माइंड में क्या क्लियर होना चाहिए, ये देखिए u ऑफ t माइनस फोर, दिस इज राइट हैंड शिफ्टेड वर्जन ऑफ u ऑफ t by how many units, 4 units, and in this same way u of t plus 3, this is the left hand sided version of u of t, kitne units se shifting hai, by 3 units. So t minus 4 karne se unit step right hand side mein shift hoga 4 units se, so t माइनस फोर करने से राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा 4 यूनिट से, t प्लस थ्री करने से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा 3 यूनिट से। सो साइन क्या डिफाइन करेगा, कौन से साइड में शिफ्टिंग है, और ये जो भी नंबर होगा कॉन्स्टेंट होगा वो कितने यूनिट की शिफ्टिंग है वो डिफाइन करेगा। सो ये चीज जो यूनिट स्टेप पे है, मैथमेटिकली अगर आप जाएंगे तो ये किसी भी सिग्नल के लिए आप इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। That means if you are talking about x of t minus t naught, so यहां पे minus का मतलब है right hand side version, right hand side version of x of t. देखिए ये u of t की shifting थी, तो ये किसकी shifting है, x of t की shifting है, x of t original signal है, shifted version क्या है, t minus t naught. So right hand sided version of x of t by how many units, by obviously t naught units. And in the same way agar aapke paas x of t plus t naught hoga, x of t plus t naught hoga, to ye aapka left hand side version hai, ye aapka left hand side version hai x of t ka by t naught units. So ये देखिए आपका, जैसे कि u of t में हमने डिटेल में डिस्कशन किया, अब इसके कंक्लूजन का एडवांटेज ले रहे हैं, इसके कंक्लूजन का एडवांटेज ले रहे हैं कि जैसे u of t में u of t माइनस फोर था वैसे x of t में x of t माइनस फोर भी आएगा। तो ये माइनस साइन, माइनस साइन जहां भी होगा ये क्या डिफाइन करेगा कि राइट हैंड साइड शिफ्टिंग है, जहां भी ये प्लस डिफाइन करेगा ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो जो कंक्लूजन आपको यूनिट स्टेप के लिए थे मैथमेटिकली आप किसी भी सिग्नल के लिए जस्टिफाई कर सकते हो, वो कंक्लूजन किसी भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल x of t के लिए होंगे।
कहीं भी अगर शिफ्टिंग है, मतलब ये टी माइनस टी नॉट या टी प्लस टी नॉट है, तो ये आपका ओरिजिनल सिग्नल का शिफ्टेड वर्जन होगा। माइनस मतलब राइट हैंड साइड शिफ्टिंग, प्लस मतलब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्टिंग, ये जो भी कांस्टेंट है इतने यूनिट से वो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा। सो ये थोड़ा सा डिटेल है आपका शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में। सो अभी तक हमने स्टेप सिग्नल के शिफ्टिंग वाले वर्जन की बात की थी। अब अगर टी में कुछ मल्टीप्लीकेशन है या उस तरीके कुछ न्यू एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू ऑफ माइनस टी की अगर मैं बात करूँ, तो ये शिफ्टेड वर्जन नहीं है, यू कैन से कि ये टाइम स्केल्ड वर्जन है। तो बेसिकली आप बिल्कुल वरी मत कीजिए, बेसिक ऑपरेशंस की बात हम लोग बाद में करने वाले हैं कि स्केलिंग क्या होती है, शिफ्टिंग क्या होती है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होता है, टाइम स्केलिंग क्या होती है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं, इन डिटेल उसको बाद में डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ पे इन जनरल एक बेसिक सिग्नल में यू ऑफ माइनस टी का डिस्कशन कर रहा हूँ। अगेन यूनिट स्टेप में कोई भी वर्जन हो, स्टैंडर्ड सिग्नल से आप स्टार्ट करेंगे, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि यू ऑफ टी है, दिस इज इक्वल टू 1 फॉर पॉजिटिव टाइम एंड दिस इज इक्वल टू 0 फॉर नेगेटिव टाइम। अगर मैं बात करूं, जैसे कि देखिए यहां पे यू ऑफ टी माइनस 4 या यू ऑफ टी प्लस 3 आपको कैसे मिला था, ये आपको मिला था यू ऑफ टी में जब आपने सब्सटीट्यूट किया टी इज इक्वल टू टी माइनस 4, सो आपको मिला यू ऑफ टी माइनस 4। वैसे ही u ऑफ t में आप सब्सटीट्यूट करेंगे t इज इक्वल टू t प्लस 3, तो आपको मिलेगा u ऑफ t प्लस 3। इन द सेम वे u ऑफ माइनस t चाहिए, तो u ऑफ माइनस t के लिए सब्सटीट्यूशन देखिए क्या होगा, सिंपली t इज इक्वल टू माइनस t, सिंपली t इज इक्वल टू माइनस t, सो दिस विल गिव यू u ऑफ माइनस टी। सो आपको जो भी सिग्नल की डेफिनेशन या ग्राफ चाहिए उसको ऑप्टेन कैसे करना है स्टैंडर्ड सिग्नल से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो u ऑफ t माइनस 4 कैसे मिलेगा, t की जगह t माइनस 4, t प्लस 3 कैसे मिलेगा, t की जगह t प्लस 3, वैसे ही माइनस t कैसे मिलेगा, t की जगह माइनस t पुट करके। सो इसकी जो डेफिनेशन है वहां पे भी t को माइनस t पुट कर लीजिए। So what will be the substitution? Substitution will be t is equal to minus t. So this becomes u of minus t is equal to 1, 0. Ye minus t ho gaya. So minus t is greater than 0. And this is minus t is less than 0. Iske solution mein ek cheez ka hume dhyan rakhna hai. Inequality mein minus sign ko shift karna hai. इनइक्वालिटी में कभी भी थ्रू आउट अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैस लेट्स से इसमें मैं अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो में माइनस जीरो का कोई चेंज नहीं होगा, इट विल बी जीरो ओनली, लेकिन ये जो माइनस टी है ये आपका टी हो गया। तो देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस टी हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटी में अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो ग्रेटर देन था वो आपका लेस देन में चेंज होगा। वैसे ही माइनस टी को माइनस में मल्टीप्लाई मतलब टी, जीरो का मल्टीप्लीकेशन मतलब जीरो, लेकिन थ्रू आउट अगर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो लेस देन था वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अब इसका ग्राफ देखिए, सो लेट सी द ग्राफ ऑफ दिस वन। So u of minus t, so ये आपका नेगेटिव टाइम है, ये आपका पॉजिटिव टाइम है, ये आपकी टाइम एक्सिस है, एंड दिस इज योर t इज इक्वल टू जीरो। नेगेटिव टाइम पे मैग्नीट्यूड वन है, नेगेटिव टाइम पे मैग्नीट्यूड वन, पॉजिटिव टाइम पे मैग्नीट्यूड इज जीरो, पॉजिटिव टाइम पे मैग्नीट्यूड इज जीरो, पॉजिटिव टाइम पे मैग्नीट्यूड इज जीरो। सो ये देखिए, दिस इज स्केल्ड वर्जन ऑफ यूनिट स्टेप। वर्ड्स का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, स्केलिंग क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे, बट यहां पे मैं सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं कि यू ऑफ माइनस टी का ग्राफ इस तरीके से आपको दिखेगा। और एक एग्जाम्पल देखिए, लेट्स से आई टेक अनदर एग्जाम्पल यू ऑफ माइनस टी प्लस 2।
कोई भी एग्जांपल अपने आप से आप क्रिएट करके उसको सॉल्व करके देख सकते हैं. यू ऑफ माइनस टी प्लस टू, अगेन मैं स्टार्ट हमेशा स्टैंडर्ड सिग्नल से ही करूंगा. यू ऑफ टी की डेफिनेशन मुझे पता है, दिस इज इक्वल टू वन एन जीरो, वन इज फॉर पॉजिटिव टाइम एंड जीरो इज फॉर नेगेटिव टाइम. सो अब देखिए इसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या है, टी इज इक्वल टू माइनस टी प्लस टू. टी को क्या पुट करना है, माइनस टी प्लस टू. सो यू ऑफ माइनस टी प्लस टू इज इक्वल टू, ये वन एंड जीरो में तो हम देखते आ रहे हैं कोई भी चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं. ये मैग्नीट्यूड को, ये मैग्नीट्यूड है, ऑब्वियसली हमें टाइम में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो इसीलिए हमने मैग्नीट्यूड में अभी तक चेंजेस नहीं किए. तो चाहे टी माइनस फोर होगा या टी प्लस थ्री होगा या माइनस टी होगा या माइनस ऑफ टी प्लस टू होगा, इन सभी में हम लोग टी को चेंज कर रहे हैं. टी को चेंज करना है मतलब ये कंडीशंस आपकी चेंज होंगी, मैग्नीट्यूड अभी तक हमने कहीं भी चेंज नहीं किया है. सो ये यहां पे भी टाइम में चेंज होगा. सो दिस वन विल बी माइनस ऑफ टी प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो एंड सेम माइनस ऑफ टी प्लस टू इज लेस देन जीरो. यहां पे अगर इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूं तो माइनस साइन को बाहर निकालिए. सो देखिए दिस इज इक्वल टू या दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ टी माइनस टू. देखते हैं सेम है कि नहीं है. तो देखिए माइनस टी और ये प्लस टू, माइनस टी प्लस टू, यहां पे भी माइनस टी और प्लस टू है क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो दोनों का साइन चेंज हो गया. सो देखिए माइनस टी है और प्लस टू है, ये भी माइनस टी प्लस टू, एक ही चीज है. तो ये क्या हुआ, इट इज ग्रेटर देन जीरो. सेम वे दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ टी माइनस टू इज लेस देन जीरो. तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ ये जो एक माइनस साइन मैंने बाहर में कॉमन निकाल दिया, तो ये जो माइनस टी प्लस टू था वो टी माइनस टू हो गया. ठीक है, अब इसमें अगर इस कंडीशन को मैं नेक्स्ट फॉर्म में लिखूं, सो यू ऑफ माइनस टी प्लस टू, u of माइनस टी प्लस टू, सो ये वन एंड जीरो हो गया. अब देखिए ये माइनस साइन में थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा. सो ये हो गया आपका t माइनस टू, ये जो ग्रेटर देन था वो लेस देन जीरो हो गया. ये भी आपका t माइनस टू, माइनस साइन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो लेस देन था वो आपका ग्रेटर देन हो गया. अब इसको तो आप नेक्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू टी लेस देन टू, और इसको भी आप लिख सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू टी ग्रेटर देन टू. सो अब इसका ग्राफ देख लीजिए, मतलब पहली चीज इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो टू पे आ रही है, तो ये टू पे डिसकंटिन्यूटी है. सो टू पे डिसकंटिन्यूटी देखिए, टी लेस देन टू, लेस देन टू में वन है, सो ये लेस देन टू में वन है, और ग्रेटर देन टू में जीरो, सॉरी टू तक, लेस देन टू तक वन है, तो लेस देन टू में वन है और ग्रेटर देन टू में जीरो हो गया, लाइक दिस. सो ये आपका सिग्नल है, सो इसको जोड़ लीजिए. सो दिस इज अ यूनिट स्टेप सिग्नल विथ डिसकंटिन्यूटी एट टी इज इक्वल टू टू. सो डिसकंटिन्यूटी आपको हमेशा कहां से मिलती है, सिग्नल की डेफिनेशन से. सो कहां पे मैग्नीट्यूड वन होगा और जीरो होगा ये सब आपको कहां से मिलेगा, सिंपली डेफिनेशन से ही मिलेगा. सो ये इस तरीके से कोई भी फॉर्मेट हो यूनिट स्टेप का, आप इस तरीके से बेसिक कैलकुलेशंस करके उसका ग्राफ अचीव कर सकते. यहां देखिए कुछ ऑब्जर्वेशंस यहां पे करके देखेंगे. एक ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे हमने ये दोनों का ग्राफ पहले हमने बनाया था, एक बार जस्ट मैं फिर से उसको ड्रॉ कर ले रहा हूं ताकि कुछ यहां से कंक्लूजन्स हम लोग यहां पे ड्रॉ कर सकें. जैसे कि u ऑफ t माइनस फोर का मतलब था डिसकंटिन्यूटी फोर यूनिट से राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गई है, सो डिसकंटिन्यूटी इज एट फोर. वैसे ही u ऑफ t प्लस थ्री का मतलब यह था कि डिसकंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गई है तीन यूनिट से, तो जीरो से शिफ्ट होकर कहां पर आ गया, माइनस थ्री में आ गया. यहां पे अगर आप चेक करेंगे कि जैसे आप टाइम के साथ टाइम जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है ये मैग्नीट्यूड बढ़ेगा यहां से, ये देखिए ऐसा, ये देखिए ये आपका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा.
सो एज यू आर इंक्रीजिंग द टाइम, स्टेप किस डायरेक्शन में है, स्टेप आपका मैग्नीट्यूड बढ़ाने वाले डायरेक्शन में है. लेकिन यहां पे ये देखिए, ये डाउन आ गया. टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे मैग्नीट्यूड में स्टेप का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स. मैग्नीट्यूड एक स्टेप जाके डिक्रीज होगा. वैसे यहां देखिए, ये भी ये आपका डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, यहां पे डिक्रीज हुआ, और वैसे ही आप ये देखिए यू ऑफ माइनस टी, ये भी आपका डिक्रीज हुआ. सो जहां भी टी के साथ आपको माइनस दिखेगा, इसका मतलब यह है कि उसका जो स्टेप होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. मतलब टाइम के साथ मैग्नीट्यूड एक स्टेप डाउन जाएगा. लेकिन अभी तक जो हमने देखा था, टी के साथ अगर माइनस नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर वो प्लस है, सो टाइम के साथ आपका मैग्नीट्यूड एक स्टेप ऊपर जाएगा. मैग्नीट्यूड आपका एक स्टेप ऊपर जाएगा, ठीक है. So, यहां देखिए, टी के साथ माइनस था, ये एक स्टेप नीचे गया. अब यहां पे कुछ कंक्लूजन देखिए. लेट्स से कि मुझे इस क्वेश्चन को या इनमें से किसी भी क्वेश्चन को कम से कम टाइम में अगर बनाने की कोशिश करनी है, या मुझे ग्राफ चाहिए एग्जैक्टली, पहली चीज होती है, मतलब अब कुल मिला के दो पॉइंट आपके पास है. पहला पॉइंट है कि डिसकंटिन्यूटी कहां पे है, और सेकेंड पॉइंट क्या रेज हो गया है कि डिसकंटिन्यूटी पे स्टेप एक डाउन नीचे आएगा या स्टेप मैग्नीट्यूड में ऊपर जाएगा. सो आइदर इट विल बी अप गोइंग स्टेप और इट विल बी अ डाउन गोइंग स्टेप, दोनों पॉसिबिलिटी आपके पास है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि वो डिसकंटिन्यूटी आएगी कहां पे. सो देखिए, डिसकंटिन्यूटी आएगी कहां पे, उसके लिए ब्रैकेट में जो भी टर्म है आप उसको जीरो से इक्वेट कर लीजिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल u ऑफ t माइनस फोर, सो ब्रैकेट में कितना है t माइनस फोर, t माइनस फोर को जीरो से चेक कर लो, जीरो से इक्वल कर लो. सो t कितना आ गया, फोर. सो ये देखिए t इक्वल टू फोर पे डिसकंटिन्यूटी. वैसे t प्लस थ्री, सो t प्लस थ्री को जीरो कर लो, सो t कितना आ गया, माइनस थ्री. सो ये देखिए माइनस थ्री पे डिसकंटिन्यूटी. ये देखिए माइनस t है, तो माइनस t इज इक्वल टू जीरो, मतलब t इक्वल टू जीरो. सो अगेन देखिए डिसकंटिन्यूटी t इक्वल टू जीरो, यहां चेक कीजिए माइनस t प्लस टू, सो माइनस t प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. माइनस t इज इक्वल टू माइनस टू, t इक्वल टू कितना आ गया, टू. सो ये देखिए डिसकंटिन्यूटी टू पे है. सो डिसकंटिन्यूटी कहां पे आएगी उसको फाइंड करना एकदम इजी है, कि ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसको जीरो से इक्वल कर लो, ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसको जीरो से इक्वल कर लो, ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसको जीरो से इक्वल कर लो. ये डिसकंटिन्यूटी का लोकेशन आपको मिल जाएगा, और डिसकंटिन्यूटी का लोकेशन मिलने के बाद वो पॉजिटिव गोइंग स्टेप है कि नीचे जाता हुआ स्टेप है, वो तो एकदम सिंपल है कि टी का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है. जैसे कि यहां पे दोनों टी का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, So, जो भी स्टेप मिलेगा वो ऊपर जाता हुआ स्टेप मिलेगा. एंड इन द सेम वे टी का कोएफिशिएंट माइनस है, तो जो भी स्टेप होगा वो डाउन गोइंग स्टेप होगा, जो भी स्टेप होगा वो आपका डाउन गोइंग स्टेप होगा. सो देखिए टी का कोएफिशिएंट माइनस है, तो ये आपका डाउन गोइंग वाला स्टेप होगा. अब देखिए, अगर आपको इसको चेक करना है, ये जो हमने डिस्कशन किया, सो देखिए छोटा सा पॉइंट है, लेट से u of minus t minus 3, लेट से कि ये, इसको मुझे अब डायरेक्टली बनाने की कोशिश करनी है, एक एक स्टेप बाय स्टेप में नहीं जाना चाहता. पहले पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मींस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसको जीरो कर दो, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसको जीरो कर लो. सो ये हो गया t प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू माइनस 3. ये डिसकंटिन्यूटी मुझे पता चल गई, डिसकंटिन्यूटी कहां पे है, डिसकंटिन्यूटी आपका माइनस थ्री पे, ठीक है. यहां पे डिसकंटिन्यूटी कैसे मिली थी आपको, प्लस टू पे मिली थी, वैसे ही माइनस माइनस कैंसिल हो गया और टी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस थ्री. तो माइनस थ्री पे डिसकंटिन्यूटी है. नेक्स्ट पॉइंट, टी का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 100% नेगेटिव है. अगर टी का कोएफिशिएंट नेगेटिव है
तो एक स्टेप नीचे जाएगा वो डिसकंटिन्यूटी के, दैट मींस ये आपका इस फॉर्मेट में होगा, नीचे जाता हुआ स्टेप होगा. सो ये मैग्नीट्यूड वन एंड दिस मैग्नीट्यूड इज जीरो. सो ये सिंपल सा कंक्लूजन है, बट अगेन पूरा का पूरा रीजनिंग जो है वो प्योरली मैथमेटिकल ग्राफिकल रीजनिंग है, कुछ भी आपको रटने की नीड नहीं है. बेसिक चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप धीरे धीरे छोटे छोटे कंक्लूजन्स बनाते हुए अपने टाइम को धीरे धीरे सेव कर सकते हैं. जैसे कि ये देखिए, हमने इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन कर रहे थे, अब ये पॉइंट से एकदम सिंपल एक स्टेप में आप इसका ग्राफ बना सकते हैं. ओके, सो यूनिट स्टेप सिग्नल में हमने जो टाइमिंग के रिस्पेक्ट में जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब डिस्कस किया. एक बार बस एम्पलीट्यूड कर लेते हैं ताकि ये पूरा पार्ट एक बार आपका कंक्लूड हो जाएगा. जैसे एम्पलीट्यूड में चेंज करने से क्या चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू ऑफ टी एंड थ्री टाइम्स यू ऑफ टी. सो जो कोएफिशिएंट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेप डिफाइन करता है. जैसे कि दोनों ही यू ऑफ टी में है, ब्रैकेट में देखिए टी, इसके ब्रैकेट में भी टी. So, दोनों के ही दोनों में डिसकंटिन्यूटी t इज इक्वल टू जीरो पे है, डिसकंटिन्यूटी t इज इक्वल टू जीरो पे है. दोनों के दोनों में पॉजिटिव टाइम है तो डिसकंटिन्यूटी जो होगी वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में चेंज होगी, मतलब टाइम के बढ़ने के साथ मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा. अब दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें जो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वो आपका जीरो से वन जाएगा, और यहां पे जो आपका मैग्नीट्यूड राइज होगा ये आपका जीरो से थ्री जाएगा. तो ये मैग्नीट्यूड होता है. अगर इसको डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, सो देखिए यू ऑफ टी की जो डेफिनेशन होती है, दिस इज वन एंड जीरो, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज फॉर टी लेस देन जीरो. अब थ्री टाइम्स ऑफ यू ऑफ टी का मतलब क्या हुआ कि इसके मैग्नीट्यूड को आपने थ्री से मल्टीप्लाई किया. तो जब मैं वन मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 होगा, लेकिन मैं 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही होगा. तो ऑब्वियसली 0 में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट ये जो 1 है वो चेंज होगा. सो ये 3 हो गया फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड t लेस देन 0. सो देखिए चेंज आपने किसमें किया, मैग्नीट्यूड में चेंज किया, टाइम में चेंज नहीं किया. सो मैग्नीट्यूड में चेंज करने से मैग्नीट्यूड में ही चेंज होगा. इसके पहले हम जब टाइम में चेंज कर रहे थे तो सिर्फ कंडीशंस में चेंज हो रहा था. सो टाइम में कुछ भी चेंजेस करना मतलब कंडीशंस में चेंज करना, और इसके कोएफिशिएंट में चेंज करना मतलब इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करना. आगे जाके हम लोग देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड स्केलिंग. एम्पलीट्यूड आप चेंज कर रहे हैं इसका, बट अगेन अभी आप उसकी वरी मत कीजिए, वो आगे के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. ओके, अब ये कोएफिशिएंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया. अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल में, जैसे कि एक एग्जांपल आप खुद एक मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप ट्राई कीजिएगा खुद से बना लेंगे, दैट मींस इतना जो भी पार्ट हमने डिस्कस किया है वो आपसे क्लियर है. जैसे फॉर एग्जांपल माइनस थ्री टाइम्स यू ऑफ माइनस टी प्लस 7. सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट माय ऑब्जेक्टिव विल बी कि मैग्नीट्यूड को छोड़ दो, मैग्नीट्यूड में चेंजेस क्या होने हैं, ये मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा. मतलब जैसे 3 से मल्टीप्लाई किए तो 1 किस में चेंज हो गया, 3 में चेंज हो गया. यहां पे जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मैग्नीट्यूड में जो चेंज होगा उसको अलग से छोड़ देते हैं, लास्ट पार्ट में करेंगे. ये पार्ट जो कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. अब देखिए पहली चीज कि डिसकंटिन्यूटी कहां पे आएगी. सो उसके लिए ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसको जीरो कर दो. जैसे माइनस टी प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, so t is equal to 7, so discontinuity आपकी आ गई t is equal to 7 पे, discontinuity आपकी आ गई t is equal to 7 पे, ये discontinuity आ गई. next point, discontinuity में जो step होगा वो down जाएगा कि up जाएगा, वो देखिए t का coefficient negative है, coefficient negative है मतलब step downwards जाएगा, That means ये स्टेप. सो ये आपका 1 हो गया और ये आपका 0 है. ये कौन सा सिग्नल है, ये u ऑफ माइनस टी प्लस 7 है. डिसकंटिन्यूटी 7 पे, और क्योंकि t का कोएफिशिएंट नेगेटिव है स्टेप डाउनवर्ड्स होगा. लेकिन अब इसके कोएफिशिएंट में क्या चेंज किया गया है, माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है. इसके कोएफिशिएंट को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया गया है. That means ये देखिए ये जो आपका जीरो है इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, जीरो मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री विल बी जीरो ओनली. लेकिन ये जो वन है,
वन मल्टीप्लाइड विद माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा. सो ये देखिए, ये आपका माइनस थ्री. सो दिस मैग्नीट्यूड इज माइनस थ्री, दिस मैग्नीट्यूड इज जीरो, एंड दिस इज योर टी इज इक्वल टू सेवन. सो दिस इज माइनस थ्री यू ऑफ माइनस टी प्लस सेवन. सो कोएफिशिएंट को आप बस एकदम अलग से रखिए, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए. कोएफिशिएंट को मैंने छोड़ दिया, पहले मैंने किसको बनाया, यू ऑफ माइनस टी प्लस सेवन को. कोएफिशिएंट जो है पूरे सिग्नल में थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा, जीरो में भी मल्टीप्लाई हुआ है, बट ऑब्वियसली जीरो से मल्टीप्लिकेशन करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसलिए कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं. यहां चेंजेस कहां पे रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके, वन जो है वो आपका माइनस थ्री में चेंज हो गया, वन हैज चेंज टू माइनस थ्री. ठीक है, सो ये आपका बेसिक है. तो आप इस फॉर्मेट में ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जाएंगे तो टाइम भी आपका मिनिमम लगेगा और गलती होने की भी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है. सो पहले कोएफिशिएंट को नेग्लेक्ट करके कोएफिशिएंट को वन बना लो, फिर जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा.